21वीं सदी में यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी में वो हुआ जिसकी कल्पना भी करना किसी लोकतांत्रिक देश में किसी गुनाह से कम नहीं, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम होगा। आरोप है कि मुरादाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता अलीदाद खान की मौत के बाद उसके जनाजे की नमाज इसलिए नहीं पढ़ी गई क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करता था, बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार ने इस बात की शिकायत जिले के डीएम और एसएसपी से की। टीम से शिकायत करी, पापा को मेरे अचानक में अटैक आ गया। अटैक आने के बाद में जनाजे की नमाज होती है, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम गए तो इमाम साहब ने मना कर दिया। इमाम साहब से बात करी, कई लोगों ने, मिलने वालों ने, हमारे भी, क्यों नमाज नहीं पढ़ा रहे आप? बोले ये इसके पापा जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसे बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, हिंदू की तारीफ पढ़ते हैं, एक तरह से इन्हें हिंदू मान लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोले आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले मुझसे चार पांच लोग मेरे मिलने वाले सब मना कर रहे हैं, उनका कहना मानता हूं मैं। उनके नाम बताए मैंने, असलम चेयरमैन, पूर्व मतीन खां, सराफत खां और शमीम खां, ये सारे लोग थे, इन लोगों ने दबाव बना के नमाज नहीं होंगी, बदमाश किस्म के लोग उनसे डरते भी हैं। चाहते क्या सरकार से? क्या चाहते हैं आपने? क्या शिकायत की है? क्या शिकायत की है? ये शिकायत करिए कि मेरे बच्चों को मेरे ध्यान में फेल गए। कहीं से कुछ जवाब मिला अभी आपको? कुछ नहीं हा? कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, मरहूम बीजेपी कार्यकर्ता अलीदाद खान के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे दिलनवाज खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं और मजहब के ठेकेदारों से उसकी जान को खतरा है। जैसे मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनकी कमेटी के कुछ लोग हैं, वो लोग खिलाफ रहते हैं, तो उन्होंने हमारे पापा का की डेथ हो गई अभी 23 तारीख को, तो उन्होंने हमारे पापा के जनाजे की नमाज को भी मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे, बीजेपी वाले को लड़ाते हैं और मेरे भाई की जान को खतरा है। ये लोग कमेटी वाले जो है एक अकरे में है सब, और अब मेरे भाई 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 के कभी कुछ उल्टा सीधा करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आरोपों पर टाइम्स नाउ भारत ने इमाम का पक्ष जानना चाहा। इमाम का तर्क है कि अलीदाद खान इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे, इसीलिए जनाजे की नमाज में वो शरीक नहीं हुए। वो थोड़ा धर्म के खिलाफ ही बयानबाजियां करते थे, जो मरने वाले थे वो धर्म के खिलाफ ही बोलते थे। आप जानते हैं कि मान लो कोई जो है श्री भगवान को मानने वाला है, राम जी को मानने वाला है, कोई शंकर भगवान को मानने वाला है, तो कोई जो है राम का भक्त हो और फिर राम को कोई गलत कहे तो राम का भक्त तो उसके काम में शरीक नहीं होगा। ठीक है, वही मामला था हमारा। ठीक है, वो जो हमारे नबी थे, नबी की शाम में गुस्ताखियां करते थे, तो हमने इस बुनियाद पर उनकी नमाज में हम शरीक नहीं हुए। मौलाना साहेब अपने बचाव में तर्क भले ही दे रहे हों, लेकिन उन पर सवाल जरूर खड़े हुए, जैसे कि आज देश में धर्म के ठेकेदार तय करेंगे कि इंसान किस पार्टी को सपोर्ट करेगा या फिर वोट देगा। क्या तथा कथित धर्म के ठेकेदार बीजेपी को वोट देने वालों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं? क्या अगर बीजेपी को वोट कर दिया तो आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा? क्या जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाएगी? ये सवाल कई मायनों में बड़े हैं और चिंताजनक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, मृत्यु एक सत्य है, ये सब जानते हैं कि एक दिन इस दुनिया में जो भी आया उसको जाना है, लेकिन वो एक ऐसा वक्त होता है जब सबकी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं। जो दुश्मन भी होता है वो सोचता है कि मैं जाकर अपनी तरफ से कोई मदद कर दूं या अपनी तरफ से इमोशनल या सेंटिमेंटल तौर पर कोई मदद कर दूं। लेकिन सोचिए कि जनाजा रखा हुआ है साइड में, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा, और ये जनाजे की नमाज वो तब नहीं पढ़ेंगे जब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। होता यह है कि परिवार का दूसरा सदस्य आकर वहां पर जनाजे की नमाज पढ़ता है, लेकिन मौलाना साहब टस से मस नहीं होते, वो वहां नहीं जाते। और इसकी वजह सिर्फ ये कि मृतक शख्स जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। आप जरा सोचिए, क्या कोई साजिश तो नहीं जिसके तहत जानबूझकर ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप बीजेपी की तरफ गए, अगर आपने वोट दिया, तो देखिए आपका समाज से इस तरह से बहिष्कृत होना आपको पड़ सकता है। क्या ये गंभीर स्थिति जानबूझकर बनाई जा रही है क्या कि वहां लोग बीजेपी को वोट देंगे तो इस तरह की चीजें उनके समाज में उनके ही लोग करें? इस पर बातचीत करेंगे, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पैनल है वो बहुत प्रबुद्ध लोगों का है। आज मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। अंबर जैदी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुफ्ती शमून काजमी हमारे साथ हैं जो कि चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा काउंसिल के, हमारे साथ मोहम्मद फैज खान जुड़े हुए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं,
हमारे साथ हाजिर खान जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत सोच कर, बहुत तोल मोल कर बोलते हैं आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और हाफिज नूर अहमद असहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत तोल मोल कर बोलते हैं हाजिर खान सर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो मुरादाबाद की जो स्थिति देख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं सर? पूरी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को विस्तार से बताई, जनाजा रखा हुआ है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा, जो कि आप भी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है किसी मुस्लिम के लिए, ये सोच या ये जो कृत्य है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सिर्फ बीजेपी का साथ देने की सजा इस तरह से मिलेगी कि अब समाज से भी बहिष्कृत होना पड़ेगा लोगों से, लोगों को? देखिए राज जी, बात यह है कि मैं हूं या जिसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई वो हूं, किसी भी पार्टी में कोई भी आदमी रह सकता है। भारतीय राजनीति की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जितनी भी हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, किसी में भी कोई आदमी रह सकता है। इस्लामिक एतबार पर उस पर कोई दबाव नहीं जी। लेकिन कोई इस्लाम के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बगावत की बात करेगा, दीन के खिलाफ कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा, तो फिर वो मैं हूँ या कोई और हो उसके साथ नहीं। आप हमेशा हाजिक सर, आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में ऐसा कोई पहलू है क्या कि अगर खुदा का कोई बंदा यहाँ पर गलती करता है, वो खुदा के खिलाफ हो जाता है, तो क्या यहाँ पर उसके बाशिंदे जो खुदा का काम करते हैं, क्या ऐसा कोई इस्लाम या कुरान में नियम है कि वो साथ नहीं देंगे, कम से कम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कुछ? देखिए अनुराग जी, इस्लाम के ही एतबार से मौलाना ने जो किया होगा उसका जवाब मौलाना देंगे, लेकिन इस्लाम के एतबार से मैं, मेरा बेटा अगर कुफ्र करने लगे, शिर्क करने लगे और दीन के अंदर बगावत करने लगे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामिक जो भी थॉट होगा उसके एतबार से कार्रवाई। आप तो खुदा के बंदे ना सर, आपके पास धर्म का प्रचार कर, आप भी बंदे नहीं, सर नहीं, मैं कह रहा हूं कि सारी मखलूक अल्लाह, मेरा सवाल तो सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आप तो खुदा के बंदे, मैं भी खुदा का बंदा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास तो धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, आपके पास धर्म को आगे ले जाने का अधिकार है, खुदा के बंदे को दंड देने का अधिकार भी आपके पास है क्या? देखिए इस्लामिक एतबार से अगर इस्लामिक मुल्क होगा तो इस्लाम के एतबार से उसको सजा दी जाएगी। आज इस्लामिक मुल्क तो नहीं है, हमारा तो संवैधानिक अधिकार है कि वो बीजेपी का साथ दे या संविधान का, संविधान के एतबार से उसे सजा दी जाएगी। ये नमाज ना पढ़ाना मौलाना की जवाबदेही बनती है, उन्होंने जवाब दे दिया कि एक आदमी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस मामले पर बात करेगा, इस मामले पर आप दो सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते। हाजी जी, इस मामले पर आप दो सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते, आपको ये चुनना पड़ेगा कि या तो मौलाना गलत है या तो वो जो कर रहे हैं वो सही है, आपको सही या गलत में चुनना पड़ेगा, मौलाना गलत या सही, आप ये बताइए। देखिए मौलाना ने अगर शरीय एतबार से अपने धर्म के एतबार से किया तो बिल्कुल सही किया, उसमें कोई इसमें मेरा बेटा मैं हूं तब भी मेरी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हम बागी हैं, हमने सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत कर दी, हमने दीन से बगावत कर दी, हमने शरीयत से बगावत कर दी। इस्लाम में उस आदमी का कोई हिस्सा नहीं जो दीन के बारे में 19 बात कर रही हूँ। फरमाया हदीस का मफहूम है कि एक शख्स एक हदीस को 19 समझेगा, यानी नबी के ऊपर तौहीन कर रहा है वो तो बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन एक हदीस को भी हल्का समझेगा तो कुफ्र के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। अच्छा, अब आप मौलाना वाले पॉइंट पर चले गए हाजिक जी, मैं एक बहुत छोटी सी चीज समझता हूँ, उसके बाद में दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। आप मौलाना वाले पॉइंट पर चले गए, ये जो परिवार आरोप लगा रहा है वो भी तो मुस्लिम है ना, वो भी तो कह रहा है ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया या हमने सिर्फ बीजेपी का साथ दिया, इस वजह से हमारे साथ ऐसा किया गया, तो आप दूसरे पहलू को कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने अनुराग जी आपसे पहले भी कहा, आप भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी में भी हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान हिंदू रह सकता है, ये राजनीतिक पार्टी है, ये शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है। आपके सामने दोनों पहलू होने के बाद आपने साथ मौलाना का दिया। एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में रहना कोई शरीयत के खिलाफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी में कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान नागरिक रह सकता है, लेकिन शरीयत के खिलाफ बगावत करेगा, चाहे मैं हूं, मेरा बेटा हो, कोई भी हो, वो उसके खिलाफ शरीयत की, लेकिन शरीयत की नियमावली तो होगी ना सर, और खुदा के बंदे होने के नाते क्या आपको दंड देने का अधिकार है? शमून काजनी साहब, मैं आपको इंटरव्यू मैं चाहता हूं कि आप इंटरव्यू करें, कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को? सिर्फ बीजेपी को वोट देने का आरोप और उसके बाद पूरे परिवार के बहिष्कार करने का सिला यह है कि जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी गई। ये अगर ऐसा हुआ है तो ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है जी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की बिना पर ऐसी मानसिकता का परिचय दिया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है, और सरकार को चाहिए, वहाँ के प्रशासन को, कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या ऐसा है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और बशमूल भारतीय जनता पार्टी के, सब वो देश के संविधान को मानती हैं और देश के संविधान को यहाँ के मुसलमान जो
जो यहाँ रहे उन्होंने इस संवैधानिक इस जमहूरी निजाम को लोकतंत्र को स्वीकार करके वो यहाँ रहे हैं। मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करूंगा काजमी साहब, मैं इसके और इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है, मैं इसके प्रभाव पर बात करूंगा, इसका बहुत डीप इंपैक्ट है और मैं उसके मुद्दे पर बात करूंगा। लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, क्योंकि आजिक खान साहब ने जिक्र शरीयत का किया, तो शरीयत में चूंकि मेरा सवाल ये कि क्या किसी खुदा के बाशिंदे को इस बात का अधिकार है क्या कि वो इस तरह से सजा दे? किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के बारे में कोई फैसला ले, और इस्लाम में तो इसकी इजाजत है ही नहीं, चाहे कोई इमाम हो और चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कि वो किसी के बारे में ये फैसला करे कि ये कौन था या कौन है। और जिन्होंने ऐसा किया है, मैं ये समझता हूं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि ये लोकतांत्रिक देश है, किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि मैं तो खुद मदरसा उत्तराखंड का चेयरमैन हूं और हमारे सैकड़ों मदरसे हमारे बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और हम उन्हें इसीलिए उन्हें हम धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ ठीक है एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, ताकि ये लोग उनका मिसयूज ना करें। उनके पास में दीनी तालीम के साथ इस बात का है ना कि क्या उत्तराखंड सिस्टम इस तरह का तैयार किया जा रहा है, कुछ लोग संगठित होकर इस तरह का इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि आपने अगर हमारी पॉलिटिकल विचारधारा को मैच नहीं किया तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि जनाजे पर आपके पास नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या ये एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है? ऐसा नहीं है। और इसमें क्या इसके तथ्य है ये सामने आने चाहिए। कोई हजारों लाखों कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान, ऐसा नहीं है। नहीं तो लेकिन अगर करता है, अगर तो इकोसिस्टम बड़ा हुआ के खिलाफ इस्लाम से बगावत है उसकी। कासमी साहब, इसके एक इंपैक्ट की बात करें, अगर इकोसिस्टम बड़ा हुआ तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाला हर मुस्लिम शायद इसी तरीके से सजा भुगतेगा। अरे हम तो बीजेपी को खुद सपोर्ट करते हैं, हम तो संवैधानिक पोस्ट पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उन बच्चों के लिए कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमने एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ा करके ताकि वो भी इंजीनियर डॉक्टर आईएएस बन सके, ताकि इन जैसे छोटे जहन के ना रहे ये लोग, इनका जहन हम बड़ा करना चाहते हैं। यही लोग हैं कि इस्लाम के जहनियत रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई कितना बड़ा कोई मौलाना काशी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मौलाना अजहरी जी मुस्कुरा रहे हैं। अजहरी साहब, एक तो मामला बहुत संवेदनशील है, मतलब जनाजा सामने रखा है और वहां पर यही तो काम हुआ है, वहां नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है। इसकी संवेदनशीलता आप मौलाना साहब बहुत अच्छे से समझते होंगे, अजहरी साहब। तो ये मैं कहता हूं कि आप सब छोड़िए, आप मुझे पता है आप शरीयत से ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन इंसानियत को भी अपने ध्यान में रखिए और बताइए कि मौलाना साहब ने ठीक किया या गलत किया। बेहतर तो ये होता कि आप मौलाना साहब का भी एक बयान सही से ले लेते या उनको बुला लेते, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा मौलाना साहब से पूछेगा वो आएंगे क्या, चर्चा होगी तो वो आएंगे क्या? मौलाना साहब का जो आपने बयान दिखाया है वो मुकम्मल नहीं है। मैं उन्होंने किस बिना पर उनको ऐसा किया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और ऐसा उन्होंने किया है तो कोई बहुत बड़ी वजह हो, जैसा कि अभी हासिक भाई ने कहा था कि अगर जैसा कि उनके उनके बयान से भी जाहिर हो रहा है कि अगर वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकई था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ था या वो गुस्ताख था, एक बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ वो थे जी, जी। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो उनकी नमाज जनाजा वाकई में नहीं हम पढ़ेंगे। और ये जैसे अभी कासमी साहब फरमा रहे थे कि वो दंड देने का अधिकार नहीं है किसी को, उन्होंने दंड कहाँ दिया? वो तो उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। वजह क्या है इसको जान लेना चाहिए। लेकिन अजहरी साहब, अगर कोई, मैं इसको हिंदू धर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करता हूं, अगर कोई पंडित है जो कि अपने मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है, कोई व्यक्ति आए, कोई श्रद्धालु आए या उसका यजमान आए कि मेरी पूजा करवा दीजिए साहब, तो क्या ये किसी का व्यक्तिगत मामला रह जाएगा क्या? पंडित पूजा करने से मना कर दे, क्या ये व्यक्तिगत मामला रह जाएगा क्या? हो सकता है कि उसके पति उसकी पत्नी को वो मना कर दे, बच्चों को मना कर दे। अनुराग जी, आपसे एक सवाल कर लूं? मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब लेने दीजिए अजहरी जी से। ये क्या व्यक्तिगत मामले तक सीमित रह सकता है क्या? अजहरी साहब, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। हाँ ठीक है, हिंदू धर्म के कानून क्या है वो आप लोग जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम। अरे मैं मुस्लिम धर्म से समझने की कोशिश करता हूँ, एक मौलाना जिम्मेदार भी तो होते हैं ना, समाज के प्रति भी तो उनकी जवाबदेही होती है। हमारे एक लफ्ज है ला इलाहा इल्लल्लाह जी, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है मुसलमानों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है जी, कि अल्लाह के सिवा कोई और हमारे नजदीक पूजनीय नहीं है। जो अल्लाह को जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, अगर वो किसी और की पूजा कर रहा है तो हमारे यहाँ वो मुसलमान, वो इस्लाम से खारिज होता है।
हमारे यहाँ जैसे कोई कुरान का एक लफ्ज कुरान का बागी हो जाए, कुरान का एक नुक्ते का भी इनकार अगर अगर कर रहा है तो वो कुरान के मतलब वो हमारे यहाँ मुसलमान, इसका मतलब शमून कासमी साहब आपके हिसाब से इस्लामिक है ही नहीं, उन्होंने तो अभी आपकी बातों का विरोध किया। नहीं नहीं तो शमून कासमी साहब, अब आप शमून कासमी से क्यों हमें लड़वा रहे हैं? हाँ। हमें तो ये है कि शमून कासमी ने क्या कहा, उनकी आइडियोलॉजी बुझा दे। हाँ। हमने अरे तो सर यही तो बात है ना कि यही जो मृतक थे उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी की तरफ थी, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया जो कि संवैधानिक अधिकार है उनका। रामचंद्र जी क्या रावण की पूजा कर देते? मैं हाजी जी इस पर एक छोटा सा जवाब दूंगा आपको। हाँ, बहुत जल्दी से अजहरी साहब, अगर 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 वो बंदा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था या उसको वोट वोट करता था, सपोर्ट करता था, तो इसमें इस्लाम से खारिज होने वाली कौन सी बात है? ये परिवार मुझे नहीं समझ में आ रहा, हाजी खान जी या फिर अजहरी साहब आप दोनों इतने डिसाइसिव कैसे हैं? परिवार के पक्ष को आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? एक तरफा मौलाना के बारे में सिर्फ कैसे सोच सकते हैं? नहीं नहीं, मौलाना के बारे में क्यों हम सोचेंगे? मौलाना का सही बयान दिखा दे, मौलाना का थोड़ा सर एक्चुअल बयान ही दिखा रहे हैं, हम दोनों पक्षों को दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई ये सही से उनसे मालूम करके लेकर क्या है, तभी तो कुछ आएगा सामने। नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि हमारे नबी की गुस्ताखी की थी इसलिए नहीं गए, हमारा व्यक्तिगत मामला। मेरा सवाल भाई ये कि एक मौलाना का व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? आप तो धर्म के रिप्रेजेंटेटिव है ना, आपके लिए सभी बाशिंदे एक जैसे हैं ना सर। उन्होंने ठीक किया है और उन्होंने इल्जाम अगर लगाया है तो मौलाना ठीक है। मैं फैज खान ये जो इस वक्त दलीलें पेश की जा रही है अजहरी साहब की ओर से कि ठीक किया मौलाना ने, आप चूंकि खुद भी मुस्लिम धर्म के अच्छे ज्ञाता हैं, आप मुझे समझाएंगे कि क्या जो हुआ मुरादाबाद में वो ठीक हुआ? क्या किसी खुदा के बाशिंदे को ये हक है कि अंतिम वक्त में भी नमाज के लिए वो मना कर दे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, एक 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 तरीके से सामाजिक बैन लगा दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अनुराग भैया देखिए, मुसलमान कोई व्यक्ति होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ के, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर अपना विश्वास जता के। मुसलमान होने का बीजेपी या समाजवादी या कांग्रेस में होने से कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी मौलाना हैं जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैं और वो समय समय पर ये गुपचुप बातें करते रहते हैं, जो बीजेपी को वोट देगा हम इसके खिलाफ फतवा दे देंगे या उसके परिवार का बहिष्कार कर देंगे, ये उसी विचारधारा के मौलाना है जिन्होंने केवल बीजेपी का सपोर्ट करने के कारण एक व्यक्ति की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और खुद भी बहुत बड़े गुनाह में पड़ रहे हैं और उससे बड़ा ये गुनाह कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं गुस्ताखे नबी है। कोई मुसलमान कभी गुस्ताखे नबी हो ही नहीं सकता क्योंकि कलमा ही पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो होता यह है कि जब कुछ कट्टरपंथी वर्ग उनको रसूल की बहुत अच्छी अच्छी आप बातें बताइए, एकता की, सद्भावना की, कुरान शरीफ की अच्छी अच्छी बातें बताइए, तो वो उसको मानने तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो हर हाल में, मैं माफी चाहूंगा, वो रसूल के व्यक्तित्व में कट्टरता या कुरान शरीफ में कट्टरता खोजने का प्रयास करते हैं जबकि उनके व्यक्तित्व में बहुत लचीलापन है, इस्लाम में बहुत लचीलापन है, सबको लेकर चलने का भाव है, लेकिन कट्टरपंथियों को पसंद नहीं होता, इसलिए ये बीजेपी को वोट दे रहा है। इस नाम से भी ऐसे लोगों का बहिष्कार। तो मोहम्मद फैज खान, आपने बताया कि कुछ मौलाना जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों की विचारधारा से प्रभावित हैं। फैज खान जी, क्या ये इकोसिस्टम बनाकर काम किया जा रहा है क्या कि देखिए साहब, आपको एक पर्टिकुलर बीजेपी या कांग्रेस की तरफ करना है तो आप इस तरह से बहिष्कार कीजिए, लोग अपने आप डर के पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का साथ देंगे, क्या ये एक इकोसिस्टम काम कर रहा है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, आप वीडियो उठाकर देखिए, एक मौलाना मुलायम सिंह यादव का जूता उठा रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने कोई फतवा नहीं दिया। राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, अखिलेश यादव नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रोजा नहीं रख रहे, लेकिन उनके सर पे टोपी भी रख रहे हैं, तस्बीह भी पहनाई जा रही है, इससे इस्लाम का अपमान इन लोगों को दिखाई नहीं देता है? उनको इस्लाम का अपमान दिखाई नहीं देता है जब नरेंद्र मोदी जी या भाजपा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है, घर ले लेते हैं, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया वो ले लेते हैं, उज्ज्वला कार्ड ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी को किसी ने वोट दे दिया तो इनकी नजर में ये मुसलमान नहीं रहा। तो ये इनकी मैं अंबर जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हाजी खान इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, फैज खान जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं हाजी खान, उसके बाद अजहरी जी आता हूं, प्लीज हाजी जी प्लीज कंटिन्यू। मैं क्या हूं, फैज खान कहें या और कोई कहे जी, शरीयत के खिलाफ कोई भी कहेगा उसके खिलाफ
फतवा आएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू जहल और अबू लहब, अगर दीन को नहीं माना तो चचा हुआ करे। अब्दुल्लाह बिन मुनाफिक की नमाज का वक्त जब आया तो अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हजरत उमर ने कर्तव्य पकड़ लिया कि अल्लाह के रसूल ये मुनाफिक है, ये आपके सामने मुसलमान बनता है और बाकी आपके खिलाफ बगावत करता है, तो अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ा दी। वही आ गई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद किसी मुनाफिक की आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि जो दीन में मुनाफिक करेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा, वो इस्लाम में कैसे रह सकता है? आपको क्या अधिकार है? क्या अधिकार तुम्हें है भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए? मैं बात करेगा उनकी तौहीन करेगा, वो इस्लाम के खिलाफ होगा, उसकी नमाज नहीं होगी। किसने कहा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता? सुना नहीं, ये झूठा आरोप लगाते हैं। इस्लाम से बाहर होगा, इस्लाम का कोई फर्क नहीं है, चाहे वो नबी का अब्बा हो, नबी का बेटा हो, नबी की बीवी हो, नबी का भाई हो, चचा हो, कोई भी हो, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। दीन में वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरा मानेगा, 100% मानेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और और यही पैगाम मुसलमान की नमाज जनाजा ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके परिवार को मानसिक त्रासदी में डाल रहे हैं। वो आप देखो क्यों नहीं डलवाया आपने उसको त्रासदी में। ठीक है, ओके ओके ओके। आजरी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, फैज खान और फाजी खान। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग वेट कर लीजिए, आप लोगों के तर्क जो है वो आपके तर्कों के हिसाब से जनता तक पहुंच गए। लेकिन मैं अब आपके पास आता हूँ अंबर जैदी जी, क्योंकि आप बतौर राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ी हुई है और आप चूंकि खुद भी मुस्लिम है, मुझे ये बताइए मैम कि 21वीं सदी है, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक तौर पर अपनी सोच की बंदिशें लगा देना चाहते हैं। अब ये हाल देखने के बाद शायद हो सकता है कि कई सारे मुस्लिम धर्म के लोगों के मन में यह सवाल आए कि मैंने कल को वोट दे दिया या मैंने खुलकर समर्थन कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी जनाजे पर कोई कल कोई नमाज ना पढ़ने। तो ये एक नैरेटिव और एक माइंडसेट थोपने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ये कोई पहली वारदात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। 2018 का मामला आपको याद होगा, निदा खान वाला, जब उन्होंने ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट क्योंकि उनको ट्रिपल तलाक दी गई थी और उन्होंने कोर्ट में मामला दायर किया था, तो तब भी इसी तरह से एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके कहा गया था कि अगर किसी ने भी निदा खान को दवाई दी, किसी डॉक्टर ने, जमीन मर जाए तो कब्र की जमीन दी, खाना पीना पूरी तरह से मीडिया में बहिष्कृत करके ऐलान किया था, उस वक्त किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने सवाल उठाया था तो मुझे, मेरे पिता को, मेरे भाइयों को इतनी गालियां दी गई थी मौलाना साहब की तरफ से। तो सबसे पहली बात है कि भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र बना, लेकिन यहां पर एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जिसको, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर हमें एक शरिया एक्ट बनाया गया, वक्फ एक्ट बनाया गया, वक्फ बोर्ड बनाया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया। किस लिए? क्योंकि मुसलमान अपनी तरफ से मनमानी करते रहे, उनको चूट है। आप एक बात बताइए, जब शरिया की बात करें, कह रहे शरिया में मुदाखलत, शरिया की बात कहां है? शरिया एक्ट कौन सा? शरिया कौन सा कोडिफिकेशन? कौन से नियम, कौन से कानून? किसको माने, किसकी बात माने? कोई भी मौलाना आके बोलेगा कि अंबर जैदी या मौलाना शमून कासमी रसूल के गुनाहगार हैं, गुस्ताख हैं, उसकी बात मान के आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, उसका बहिष्कृत कर देंगे? ये कैसा एक आप तालिबानी एक मानसिकता, एक आपने एक लोकतंत्र में आपने एक पैरेलल सिस्टम बना दिया कि कोई भी आके कहेगा और उसको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। भारत के संविधान में हर किसी को एक सम्मानजनक जीवन और सम्मानजनक जीवन में जाते हुए उसको सम्मानजनक तरीके से विदाई देने का अधिकार है। आप ये बताइए, एक छोटा सा सवाल है, ये सबसे बड़ी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको फ्री छोड़ दिया गया मनमानी करने के लिए। अगर शरिया एक्ट में, अगर शरिया, जब अब हम जब दंड संहिता में शरिया को नहीं मानते, भारतीय दंड संहिता मानते हैं, वहां पे वो दाखलत कैसे बर्दाश्त कर लेते, वहां पे कैसे अल्लाह का कानून नहीं चलता, वहां पे कैसे इनको नहीं, लेकिन एक छोटी सी चीज, मैं आ रहा हूं,
अंबर जैदी जी, मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि हर पहलू पर बातचीत हो। जो मौलाना साहब थे जिन्होंने जनाजे की नमाज भी पढ़ी, वो नहीं, यहां पर अजहरी साहब या हाजी खान वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं सबकी बात पिछले आधे घंटे से सुन रही हूं और मैं अपनी बात कहना चाहती हूं। देखिए, मैं एक सवाल पूछ लूं, आप उसके बाद कहिए अंबर जी। मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल में हम बाधित है इस बात के लिए कि हम जनाजे की नमाज ना पढ़े, उस व्यक्ति को छोड़ दे जिसने गुस्ताखे रसूल किया। किसने कहा? जब रसूल ने ही नहीं कहा कि मेरे खिलाफ कोई गुस्ताखी करे। एक कूड़ा डालने वाली औरत के खिलाफ वो उनके घर जाकर उसकी आयादत करते बीमार होते, तो आप कौन होते उनके गुस्ताखी में किसी का सर काटने वाले? यही तो वो डर है, इस लोगों के दिमाग में डर फैलाना ताकि लोग उनकी गिरफ्त से बाहर ना निकल जाए। उनको लग रहा है कि मुसलमान उस गिरफ्त को छोड़कर इनके शिकंजे से निकल रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उनको किस तरह से शोषण किया है इस पैरेलल सिस्टम तो ने। टारगेटेड है, मतलब एक पर्टिकुलर लोग समझ पार्टी को चुनने वाला व्यक्ति टारगेटेड है मुस्लिमों में। चलाया गया जिसमें कामयाब हुआ ये इंडिया अलायंस के, यहाँ पर संविधान बदला जा रहा है। मुसलमान खतरे, मुसलमान 1947 से आज तक खतरे में, बनवानी चल रही है, सब कुछ अलग मिल रहा है फिर भी खतरे में। ये डर बैठाया जाता जो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ। काजमी साहब, काजमी साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अजहरी जी के पास जा रहा हूँ। आ रहा हूँ, हाजिर जा रहा हूँ आपके पास। काजमी साहब, अपनी आबादी का बात करने वाला कैसे इस्लाम? ठीक है अंबर जी, काजमी साहब 47 के बाद से 60 साल कांग्रेस और ये समाजवादियों और बसपाइयों ने यही नैरेटिव एक सेट किया कि जो भाजपा को सपोर्ट करेगा वो इस्लाम के और इनके, वो इस्लाम के और कौम के खिलाफ है। मैं समझता हूँ तो सर, ये मौलाना साहब कर रहे हैं तो क्या ये पार्टी लाइन के साथ काम कर रहे हैं? अनुराग पूरी हो जाने दो बात, मुझे पूरी बात होने दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ना तो इसका इस्लाम से ताल्लुक है और ना ही इस पे इसमें इस्लाम को लाना चाहिए। इंसान के मरने के बाद उसके सारे सिलसिले मुनकता हो जाते हैं। वो इंसान जानता है उसका और उसके खुदा के बीच में क्या रिश्ता है। ये असल साजिश यही है कि मुसलमानों को मुख्य धारा से काट के उन्हें जज्बाती बनाया जाए, इमोशनल बनाया जाए, उनका विकास ना हो। बहुत सही बात कही कि भाई सारी फैसिलिटीज तो लेने को तैयार हैं, वहां तो कोई गुनाह नहीं होता, वहां कोई इन्हें परेशानी नहीं होती। और जब ये मसाइल आते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, देश के संविधान के अनुसार चल रही है, पिछले इलेक्शन के अंदर यही बात कही गई कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, उनकी शहरियत खत्म कर दी जाएगी। मैं चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो ये देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में, कि बताओ कौन सा ऐसा काम है इन 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री ने कहीं कोई भेदभाव किया हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब कुछ शामिल किया गया। बल्कि अनुराग, मैं आपको बताऊं कि जितनी फैसिलिटीज मुसलमानों को मिली है जी, जितनी, क्योंकि गरीब वो थे, ज्यादा फैसिलिटी उन्हें मिली। तो इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं लोगों से, देखो अनुराग, मैं आपको बताऊं कि जब तक ये इस चीज से नहीं निकलेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, 50 लोगों का एक गिरोह है, किसने चुना है इन्हें, और क्या ये इस्लाम को 100% अपने ऊपर लागू करते हैं? मैं चैलेंज के साथ ये बात पूछना चाहता हूं, बैठे डिबेट में आकर के कि किस किस तरह से एक एनजीओ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैठे हैं। ठीक है, ओके ओके सर, एक मिनट और, संक्षेप में 5 सेकंड बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करो, इनके झांसे में मत आओ। उत्तराखंड की सरकार, हमने मदरसों के अंदर एनसीआरटी को इसलिए लागू किया है ताकि वो आईएएस, लेकिन वो एनसीआरटी का सिलेबस पढ़ाने पर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, ओके काजी साहब, ये किसी का शिकार ना हो सके। काजी साहब, काजी साहब, मौलवी मुझे लगता है कि किसी का शिकार है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ओके काजी साहब, इंक्वायरी के बाद अगर ये सही पाया जाता है तो इनके खिलाफ, ठीक है काजमी साहब, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी मांग पहुंच गई, देश के अंदर आपकी बात पहुंच गई। काजमी साहब ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। काजमी साहब, आपकी बात पहुंच गई और आपने मुखरता से अपनी बात कही। मैं इस पर एक काउंटर सवाल लेना चाह रहा हूं अजहरी साहब से, उसके बाद मैं हाजिक जी आपके पास आऊंगा, बहुत बहुत जहीन सवाल के साथ आपके साथ आऊंगा। अजहरी साहब, यहां दो बड़ी बातें हैं जो अंबर जैदी भी कह रही हैं, हो सकता है आपके हिसाब से ये इस्लाम के हो ही ना, लेकिन इन्होंने दो बड़ी बातें कही। अंबर जैदी ने कहा कि ये किसने तय किया कि अगर गुस्ताखे रसूल हो गया तो उसके जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना अंबर जी, आपने तो ये सवाल पूछा ना, कौन सा सबूत आपने कैसे डिसाइड कर लिया? और दूसरा सवाल जो शमून काजमी साहब कह रहे हैं कि जो मरकर चला गया उसकी तो फक्त एक लाश ही पड़ी है ना सर वहां पे, आप उससे भी बदला लेंगे? अजहरी साहब देखिए, हो सकता है ये लोग जान बूझ के अनजान बन रहे हो, इन्होंने इनसे पूछो ना जंगे बदर पड़ी है या नहीं, खंदक पड़ी है या नहीं,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से निकलना, मदीना में जाना और मदीना से वापस आकर फिर मक्का में आना, पढ़ाया नहीं इन्होंने, इन्होंने अबू जहल और अबू लहब के कारनामे पढ़े या नहीं? इन्होंने 313 मुसलमानों को हजारों से लड़ते हुए देखा है या नहीं? ये लोग अगर सरकार ने आपको अहमियत दे दी है, अगर आप हाकिम हो गए हो, अरे सुनो रसूल ने अपने जमाने में ये काम किए, रसूल गुस्ताखे रसूल को गुस्ताखे रसूल नहीं मानो तो तुम भी उन्हीं में से हो। अगर तुम यहाँ बैठ करके सरकारी मुफ्ती की ऐसे लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करके आपकी इंक्वायरी करे, कहां की ताकतों से जुड़ा हुआ है ताकि देश के अंदर दुश्मनी की भावना पैदा ना हो सके। इस्लाम नाम है रवादारी का, इस्लाम है मोहब्बत और भाईचारे का। आज आपने इस्लाम को अलग आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, धर्म को अच्छे से जानते हैं, प्लीज आप अपनी भाषा की मर्यादा को ना भूले। नहीं, एक मिनट, ओके ठीक है, ओके एक मिनट, कासमी साहब, हाजी खान साहब, एक मिनट, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ अजहरी साहब, बहुत छोटा सा सवाल, इस पर बाकी दूसरे गेस्ट भी जवाब देंगे, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अंबर जैदी है मेरे साथ, वो भी जवाब देंगे, लेकिन मैं फिलहाल अजहरी साहब एक आंकड़ा रखता हूं आपके सामने, आप और हाजिक जी जिसको जवाब देना हो दे दीजिएगा। देखिए सर, ये इकोसिस्टम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो इकोसिस्टम क्या है? मई 2024 हाल फिलहाल की घटना है, बीजेपी को वोट देने पर अदनान नाम के एक शख्स ने युवराज के सीने में गोली उतार दी थी। दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश के सीहोर की घटना है, मुस्लिम महिला को देवर ने इसलिए पीटा क्योंकि वो बीजेपी को वोट देकर आ गई। दिसंबर 2023 की बरेली की घटना है, रोशनी खान जिसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी की नेता बन गई, जो अडल्ट है, जिसको अपना सब कुछ चुनने का अधिकार है, उसको धमकी देने लगे लोग। मार्च 2022 कुशीनगर की घटना है, बाबर अली ने इसे बीजेपी का प्रचार किया तो उसको रिश्तेदारों ने मौत के घाट उतार दिया। अजहरी साहब सुन रहे हैं ना आप? 29 मई 2022 मुस्लिम महिला को बेटे बहू ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसने चुपके से जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को वोट दे दिया। अप्रैल 2022 का बताता हूं मैं आपको, शकील अहमद को पड़ोसी ने इसलिए पीटा क्योंकि घर के ऊपर उसने बीजेपी का झंडा लगा रखा था। तो क्या ये पूरा इकोसिस्टम नहीं है क्या? क्या साजिश के तहत ये रोकने की कोशिश नहीं है क्या मुसलमानों की कि देखिए साहब आप बीजेपी को वोट करके दिखाइए, हम बताते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। हाजी खान, देखिए नाजी, बात यह है कि कोई भी हिंदुस्तानी, मैंने भी कहा, मौलाना ने भी कहा और इधर से भी कहा गया, हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मुसलमान हो, हिंदू हो, भारतीय जनता पार्टी, किसी से आगे बढ़िए, मैं कह रहा हूं, किसी को मैं कह रहा हूं कि अगर अगर ये हो रहा है, ये साजिशन तो नहीं हो रहा, इस पर आपको विचार करना होगा। ऐसे लोगों सुनिए अफसर, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या रावण के जो है, राम जो है, मैं इसका जवाब दे दूं, हाजी जी आप पढ़े, मैं इसका जवाब दे दूं, लंका जल्दबाजी पूरी हनुमान जी से ऐसा जवाब कैसे आप, हाजी जी मैं आपको जवाब दे दूं, अरे मैं कह रहा हूँ मेरा बाप के या और कोई के, अरे हाजी जी आप कार्रवाई होगी और कोई हिंदुस्तानी संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है। हाजी जी, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, शरीयत का फैसला है, कोई कोर्ट उसको नहीं, एक छोटी सी चीज, एक मिनट अंबर जी, मैं अगर इस वक्त इंटरव्यू नहीं करूंगा तो मेरे दर्शक आहत हो सकते हैं इस बात से। आप जो सवाल कह रहे हैं, श्री राम प्रभु के रावण की पूजा करने के और उनके अनुयायी की पूजा करने के लिए उसको सबसे विद्वान माना जाता है, और भगवान श्री राम जब
जंग लड़ने जा रहे थे, जब कोई पुरोहित नहीं मिला तो रावण वो व्यक्ति था जिसने पुरोहित बनकर भगवान श्री राम की पूजा संपन्न की और भगवान श्री राम ने जंग पर जाने से पहले पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। रावण ने कहा था वो जानते, जब तक पहचाने नहीं, जब तक जानते थे सर, जानते थे सर। आप मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ भी कहिए, हिंदू धर्म के बारे में जो कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऑथेंटिक कह रहा हूँ। मैंने जो आंकड़े गिनाए वो आंकड़े क्या इशारा नहीं करते कि देश में इस तरह का एक इकोसिस्टम है वो जो चैलेंज करता है कि आप बीजेपी को वोट करके दिखाइए, हम बताते हैं आपके साथ क्या कर सकते हैं। जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको। फैज खान, बिल्कुल अनुराग भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अनुराग भाई, ये एक पॉलिटिकल साजिश है, ये इकोसिस्टम ये डेवलप किया जा रहा है कि बीजेपी के संग के साथ यदि कोई भी मुसलमान दिखता है तो उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उसको हत्या की धमकी दी जाए, हत्या भी कर दी जाए, और अगर वो अपनी मौत मरता है तो उसकी नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाए। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो फंड प्राप्त करते हैं, कम्युनिस्टों से फंड प्राप्त करते हैं, उन सब का इस्तेमाल ये करते हैं उन मुसलमानों के खिलाफ जो राष्ट्रवादी धारा से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, आज फिर सरकार से एक बार फिर कहूंगा, यहाँ के नोएडा के एडमिनिस्ट्रेटर से कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, जैसे लोग नफरत पैदा कर रहे हो, नफरत पैदा नहीं करते, तुम्हें मुसलमान नहीं करेगा, तुम्हें मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान आज जो है ना मुनाफिक जो यहाँ करके मुनाफिक जो आएगा वो, अरे जो अरे मुनाफिक तो तुम हो, तुम्हारी अच्छा ठीक है, कमून काजमी साहब, आप लोग सो गए, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, मैं आवाज नीचे करवा रहा हूँ आपकी, प्लीज। नहीं नहीं काजमी साहब प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं काजमी साहब प्लीज प्लीज, नहीं नहीं काजमी साहब, हाजी जी प्लीज, नहीं नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा, आपकी आवाज नहीं जा पाएगी। अरे आप एक मिनट काजमी साहब एक मिनट प्लीज प्लीज, ओके नहीं नहीं प्लीज, अरे आपको आपको देख देख रहा है सर, आपको देख, अरे तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोटियां सिकती रहे और मुसलमान ऐसे ही जो है शांत होना पड़ेगा, काजमी साहब शांत होना पड़ेगा आपको, ओके हाजिक जी शांत होना पड़ेगा, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, फैलाने वाले लोगों, अरे अरे हमने आज तक बात नहीं करी, तुमने नफरत किया, नफरत नफरत के नाम, ओके शांत, एक मिनट अंबर जी, हम ठीक है, अब आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, शमून काजमी साहब आपकी आवाज नहीं जा रही है, शमून काजमी साहब तुम्हारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं नहीं, वक्त लिमिटेड है, अब आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप लोग चिल्ला के क्या फायदा, नहीं एक मिनट काजमी साहब मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, काजमी साहब मैं वक्त दे रहा हूँ आपको, ओके आज ओके, नहीं नहीं एक मिनट लोग जानते हैं, नहीं काजमी साहब मुझे आपकी आवाज गिरानी पड़ गई, ये गुनहगार है ये लोग, ठीक है ओके ओके, देखिए सबसे 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 इंटरेस्टिंग बात क्या है, ओके प्लीज 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 प्लीज, कोई आप नहीं नहीं प्लीज प्लीज, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, ओके आदि खान, ओके ओके आदि खान साहब, अरे कुछ नहीं कर पाओ,
नफरत पैदा कर रहे हो नफरत देश के अंदर। आप भारतीय जनता पार्टी जो भारत के लोगों की पार्टी है, तुम्हारे जैसे लोगों ने ईमान बेच दिया, हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, ईमान ठीक है। मुसलमान हो गया, हाजी खान हो गया, अरे शमून काजमी साहब प्लीज प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूँ, शमून काजमी साहब प्लीज, नहीं अब नहीं बोलेंगे आप, नहीं अब नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं अब नहीं बोलेंगे आप, ओके ये ऐसे ऐसे चर्चा नहीं होगी, नहीं नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी प्लीज, आप दोनों चुप हो जाइए ठीक है, ओके मैं अरे प्लीज प्लीज वक्त ठीक है, ओके पार्टी की गोद में बैठ के पाकिस्तानी हो जाओगे, मैं मुझे किसी के साथ कर दूं जाहिल, मुझे ये बता दे, अभी बताता हूँ तेरे रिपोर्ट के खिलाफ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराऊंगा अभी, अभी तेरे खिलाफ रिपोर्ट समझे, प्लीज कंट्रोल, अभी बुलाता हूँ नंबर पार्टी को, बुला ले जिस बाप को बुलाना है, अभी बुलाता हूँ बाप को, नहीं पुलिस को बुला, बुला ले अपने पुलिस को, चोर है नहीं प्लीज, आप भाषा मर्यादा नहीं बोल रहे, भाषा मर्यादा नहीं, भाषा मर्यादा फैज खान को लीजिए, आप फैज खान जी अपनी बात करिए, फैज खान को लीजिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है, फैज खान जी प्लीज, नहीं 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 प्लीज, फैज खान जी ओवर टू यू, फैज खान जी पीसीआर, फैज खान को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर, अनुराग भैया हाँ प्लीज, किसी की आवाज नहीं जाएगी, सिर्फ फैज खान की आवाज, जी 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 जी, मैं ये कहना चाहता हूँ अनुराग भैया, आपने जो सवाल नहीं जा रही आवाज, नहीं जा रही आवाज, थोड़ा नहीं जा रही आवाज, वो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को सपोर्ट करते हैं और लगातार भारत माता का मुद्दा हो, गो का मुद्दा हो, भारत के जो दूसरे सांस्कृतिक मुद्दे हैं, अखंड भारत का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे को लेकर जो जो मुसलमान चलते हैं उनका ये विरोध कट्टरपंथी मौलाना करते हैं, वो देश तोड़ने वाली ताकत से समर्थन, लेकिन ऐसा नहीं लगता क्या, मैं आपको बताऊं, मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण, फैज खान जी आपको नहीं लगता कि ये जो कट्टरपंथी मौलानाओं का गैंग है क्या ये कामयाब हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता क्या, क्या मुस्लिम जो है वो, क्योंकि शरीयत सबसे ऊपर रखते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, सर पर्सनल लॉ ने क्या ऐसा बयान दिया है, मैं एक मौलानाओं को आपके लिए पर्सनल लॉ उसका कौन नियम दिया, अभी टीवी पर चैनल में भैया है धर्म से हाजिक जी, और अभी वो धर्म सुधार का आंदोलन इस्लाम धर्म में नहीं आया ठीक है, और जब भी हम जैसे लोग किसी रिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो ये कट्टरपंथी, नहीं तो ये कट्टरपंथी गैंग क्या है, इसके क्या सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है क्या आपको, फैज खान बहुत संक्षेप में सर, फिर मैं अंबर जी के पास जा रहा हूँ, हाँ। वो इसलिए सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि हाँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे हैं, तो जो एजुकेशन आपने बहुत वक्त लिया, बोल लेने दीजिए अंबर जी, ठीक है, बार कोड में उनको कहीं से इस्लामी कोई शब्द दिख गया था, वो उस पर लड़ने मारने और दंगा करने उतारू हो गए थे, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था इस्लाम से, तो ये कट्टरपंथी कुछ मौलाना जो हैं मुसलमानों को मुस्लिम बच्चों के दिमाग में इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इतना जहर फैला रहे हैं, फिर से कहता हूं अंबर जैदी जी, आखिरी के एक मिनट में मैं बाकी कोशिश करूंगा दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊं, मुझे ये बताइए अंबर जैदी जी, वो जो आंकड़ा मैंने सामने रखा वो तो इंडिकेट करता है कि एक इको सिस्टम के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि धर्म के इंजेक्शन को इस तरह से सिरिंज किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि आपके लिए धर्म ही सब कुछ है, और मौलाना ने कह दिया भाई सब कुछ है, हो सकता है कि यह घटनाक्रम देखने के बाद कई लोग ये सोचें कि मौलाना साहब ने सही कर दिया, और इस तरह की मानसिकता से निकल पाना या लोगों को निकाल पाना बहुत बड़ी चुनौती दिखती है। एब्सोल्युटली, और जब हम लोग ट्रिपल तलाक पे काम करके हम आउटरीच करते थे विक्टिम्स के साथ, तो वो बहुत मुश्किल से धीरे 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 अपनी बात खुलना शुरू हुई थी, उनको बहुत डर लगता था, खौफ था, अभी इतने सालों में जो माहौल बदला है इस माहौल से ही तो खौफ में आ रहे हैं, तभी तो इनको लग रहा है संविधान बदला जा रहा है, मुसलमान खतरे में है, बीजेपी मुसलमानों का इस्लाम बदल देगी, और ये जो आपने एक सवाल पूछा था फैज साहब से कि ये जो इको सिस्टम है मजबूत कैसे हो रहा है, जब तक भारत में शरिया के नाम पर मौलानाओं की और मदरसों की मनमानी चलती रहेगी तब तक ये सब होता रहेगा, मनमानी भारत के संविधान में, जब जो भारत का संविधान भारत का कानून हर एक भारतीय पे लागू होता है, तो मौलानाओं को किसने अधिकार दिया कि मनमर्जी करेंगे और किसी के भी खिलाफ कोई भी डिक्टेटर किसी भी बदतमीज आदमी से बात नहीं कर रहे मेरे पर।